जय श्री कृष्णा। ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों का समन्वय जब होता है तब सुख शांति ऐश्वर्य भक्ति और मानव का कल्याण होता है। जैसे यदि ज्ञान है वैराग्य नहीं है भक्ति नहीं है तो केवल शून्य ज्ञान है। यदि ज्ञान के साथ वैराग्य है भक्ति है और ज्ञान भी है तो तीनों का एक जीवन में मधुरता आती है। जैसे कि आपने हलवा खाया होगा तो हलवे में वैसे तो बहुत से आइटम डलते हैं लेकिन मुख्य रूप से तीन चीज़ डलती है, चीनी घी और आटा। यदि चीनी और घी आटा है तो हलवा बनेगा। ठीक इसी प्रकार से घी डाल दिया और आटा और चीनी नहीं डाली तो वो हलवा नहीं बनेगा। तो घी रूपी ज्ञान और चीनी रूपी भक्ति और आटा रूपी वैराग्य, ये जब तीनों का मिश्रण होता है तब जा कर के मानव के जीवन में मधुरता प्रेम और भगवत प्राप्ति हो जाती है। जैसे हलवा बनाने के बाद जब वो बन जाता है तो हलवा शरीर को, हलवा जो है मजबूत रखता है, शरीर की पुष्टि के लिए हलवा है और इसको कोई भी ग्रहण कर सकता है, बुढ़ा जवान योगी रोगी भोगी कोई भी, और जो इसको खाएगा वो पुष्ट होगा संतुष्ट होगा बलिष्ठ होगा। ठीक इसी प्रकार से जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के चलता है तो उसका आत्मबल मनोबल विल पावर ये सब तुष्ट परितुष्ट संतुष्ट हो जाते हैं और उसको अपने जीवन जीने की एक बहुत अच्छी कला आ जाती है। और ये हलवा जब बन के खाता है व्यक्ति तो विदाउट टेस्ट टेस्टफुल, बिना दांत वाले भी खाते हैं, बिना दांत वाले भी, बच्चे भी बूढ़े भी सभी खाते हैं। तो जिस प्रकार से हलवा शरीर को पुष्ट करता है ठीक इसी प्रकार से ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये तीनों जो है आत्मबल को मन को पुष्ट करता है, बुद्धि को पुष्ट करता है, चित्त को पुष्ट करता है। और जिसका मन प्रसन्न है उस प्रसन्न मन वाले को हर वस्तु अच्छी लगती है। वैसे तो परमात्मा की सर्वव्यापक सत्ता है इसलिए ज्ञान भी बहुत जरूरी है, वैराग्य भी बहुत जरूरी है और भक्ति भी बहुत जरूरी है। तीनों का परस्पर अन्योन्य संबंध है। इसलिए ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, हृते ज्ञानान्न मुक्ति। श्रुतियों भगवती श्रुति कहती हैं, उपनिषद आदि कहते हैं कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के बिना कोई पवित्रता नहीं है। इसलिए ज्ञान एक प्रकाश है, ज्ञान एक भविष्य का एक दर्शक है। इसलिए विशुद्ध विवेक जन्य ज्ञान व्यक्ति को भगवान के चरणों तक ले जाता है। इसलिए ज्ञान की अति आवश्यकता है, ज्ञान के साथ साथ वैराग्य की भी आवश्यकता है, वैराग्य के साथ साथ भक्ति की परमोत्तम आवश्यकता है। और परम उच्च उत्कृष्ट भक्ति जो लेने वाली है तो उस भक्ति पथ पर जो चलता है, जैसे तुलसी नरसी मीरा सदन धन्ना आदि जो बड़े बड़े संत हुए भक्त हुए, इनको परम भगवत प्राप्ति भक्ति से ही हुई है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि नवमहु जिनके एकौ होई नारी पुरुष सचराचर कोई। नौ प्रकार की भक्ति में से यदि किसी के जीवन में एक प्रकार की भक्ति आ जाती है तो वो बिल्कुल सहज ही भगवान के धाम को चला जाता है। चाहे नारी हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, योगी हो रोगी हो भोगी हो, जो भी भक्ति करेगा वो सहज भगवान के धाम को चला जाता है। इसलिए गरल सुधा रिपु करही मिताई गोपद सिंधु अनल सित लाई, भगवान की शरण में जो आ जाता है तो उसके लिए जहर अमृत बन जाता है और संसार सागर गाय के खुर के समान हो जाता, सहज ही पार हो जाता है और अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है। जैसे प्रहलाद जी के लिए अग्नि शीतल हुई, मीराबाई के लिए जहर अमृत हुआ और ध्रुव जी के लिए संसार सहज हुआ। इसलिए सहज ही भगवान सागर से पार होने के लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की आवश्यकता है। आप ज्ञान भक्ति के द्वारा भगवत प्रेम रखें और जन जन में प्रेम रखें, सभी भाइयों से प्रेम करें, जाति भेद को नष्ट करके मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, इस भाव को लेकर आप चलें, आपका जीवन उज्ज्वल होगा, अच्छा होगा, आनंदमय होगा, मानव जीवन की सार्थकता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री राधे।